दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आपका अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपने अकाउंटिंग कोर्स के दौरान टैली जैसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करी, तो दोस्तों अगर आप जब भी मार्केट में अकाउंटिंग जॉब के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको टैली सॉफ्टवेयर के अलावा बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी आपको अकाउंट वर्क करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजी सॉफ्टवेयर की ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका नॉलेज चाहे वो फ्रेशर अकाउंटेंट है चाहे वो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है सभी को होना जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ही हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हो चाहे हम रिपोर्ट में जाके बैलेंस शीट को देख रहे हैं, अगर हमें डिटेल देखनी हो तो हम Alt+F1 का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन किया, अगर इसकी सारी डिटेल हमें एक्सप्लेन करके देखनी है यहीं पे, तो हम Alt+F1 को ओपन करते हैं तो ये सारा डिटेल के साथ ओपन हो जाता है। तो अगर इसी टाइप के ऑप्शन को अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर में देखना चाहें भी, जो भी हमारी जो परचेज है या फिर सेल है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंसेस की डिटेल है या फिर हमारे जो इनकम की डिटेल है, अगर उसको हमें डिटेल के साथ देखना हो तो हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि बीजी सॉफ्टवेयर में Alt+F1 के साथ जो कमांड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो हमें कौन सी फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा जिससे कि हमें टैली की तरह ये सारा कुछ डाटा हमारा एक्सप्लेन होकर सामने आ जाए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल रहने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली इसी टाइप की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमने बीजी सॉफ्टवेयर में एक परचेज वाउचर की एंट्री करी हुई है और एक सेल वाउचर की एंट्री करी हुई है, तो डिटेल को देखने के लिए हम एक बार डे बुक को ओपन कर लेंगे। तो अगर आपको बीजी सॉफ्टवेयर में डे बुक को ओपन करना हो तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले के ऑप्शन पर, उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक पे जाना होगा और उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा डे बुक में। तो डे बुक में जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। शो कैश बैलेंस, अगर आपको डिटेल देखनी तो हम इसको यस कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी भी स्टार्टिंग डेट कब से लेके और कब तक आप डे बुक को ओपन करना चाहते हो, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास ये टोटल डिटेल है तो इस तरीके से आ गई। अगर आप कैश के बैलेंस को अगर आप नो करोगे तो आपके सामने इस तरीके की डिटेल नहीं आएगी, जैसे कि हम वापस इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। आप इसमें देख रहे हो हमारे पास एक परचेज वाउचर है, सेल वाउचर है और कुछ पेमेंट वाउचर है, तो इसकी डिटेल हमें एक्सप्लेन के साथ देखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तक जैसे कि हम टैली सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं Alt+F1 की डिटेल को साथ, क्योंकि हमारे पास Alt+F1 के साथ कंसोलिडेटेड भी हो जाता है और डिटेल के साथ ऑप्शन भी आ जाता है। तो अगर हमें सेम इसी टाइप की डिटेल बीजी सॉफ्टवेयर में देखनी हो तो इसके लिए हमें डिस्प्ले पर जाना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट देखनी हो तो हम यूज़ करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट्स, क्योंकि हमें इसको फाइनल रिपोर्ट ही बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट कह सकते हो आप, फाइनल रिपोर्ट कह सकते हो। तो जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उसमें ये सब कुछ हमारा डिटेल आता है, जिसमें कि हमारा बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने कई टाइप के ऑप्शन आ जाएंगे भी, आप हॉरिजेंटल टाइप में देखना चाहते हो या फिर वर्टिकल में देखना चाहते हो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जो आपको बेटर लगे। तो मैं हॉरिजेंटल को यूज़ करता हूँ और उसके बाद में हम जैसे 1/4 से लेके जो पीरियड हमें देना हो इंटरप्रेस करते हैं तो इस टाइप की डिटेल हमारे सामने आ जाती है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में टैली में ओपन करते हैं। तो टैली में हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इसी टाइप की डिटेल ही आती है, जैसा कि आप देख रहे हो ओनली परचेज हमें दिखती है या फिर सेल आपको इस साइड में दिख रही है, लेकिन एक्सप्लेन होके वन टाइम में नहीं आती, तो इसके लिए हमें Alt+F1 का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमें बीजी में इस टाइप के ऑप्शन को देखने के लिए वापस आपको जब भी हम डिस्प्ले पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो आपको स्टॉक को अपडेट रखने के लिए इसको यस कर लेना है और उसके बाद में शो सेकेंड लेवल ग्रुप डिटेल्स, तो इस फीचर को आपको भी यस करना पड़ेगा। तो आपको इसी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे भी, शो ग्रुप एंड अमाउंट इन सेपरेट कॉलम, तो ये बहुत अच्छा फीचर है बीजी सॉफ्टवेयर में। तो हम एक बार तीनों को ही यस करेंगे और ओके करेंगे, तो
अभी आप देख रहे हो ये हमारी डिटेल के साथ ओपन हो गई है। भी आपने जो परचेज करी है 6400 रुपए की, तो उसके अंदर आपकी जीएसटी 12% की परचेज दी है, 18% की है, 28% की है, जीएसटी 5% की है, और ये जीएसटी फ्री आपकी परचेज है। और इधर अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी आपकी जो 4475 रुपए की जो सेल आपकी है उसमें टोटल सेल की डिटेल आपके पास ये आ जाएगी। भी इसके अंदर आपकी 12% की सेल इंक्लूड है, 18 की भी है, 28 की भी है, जीएसटी फ्री की भी है और जीएसटी 5% की भी है। तो इसी टाइप से अगर आप हम खर्चे की डिटेल अगर देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये खर्चे की डिटेल भी आपको यहाँ पर शो करेगा, एक्सप्लेन करेगा ग्रुप वाइज। जो भी इस आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में जो भी आपने लेजर क्रिएट किए हैं उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारे पास इधर इनकम साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये केवल ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। अगर इनकम के हेड में अगर हमने कोई भी लेजर अगर क्रिएट किया होता और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन अगर हमने करी होती तो इसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर जरूर शो करता। तो अभी ये जो हमारे पास ऑप्शन आया था सेपरेट कॉलम का, तो ये जो सेपरेट कॉलम को जो हमने यस किया तो उसी की वजह से ये हमारे पास ये डिटेल ओपन हुई है सेपरेट कॉलम का। तो अभी आप जो देख रहे हो ये जो कॉलम हमारे पास आया है अमाउंट के अलावा, तो ये सेपरेट कॉलम अलग से क्रिएट हो गया। अगर इस फीचर को हम करते हैं नो और इसको ओके करते हैं, तो अब आप देख रहे हो जो सेपरेट कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है और इसी की डिटेल है जो केवल एक बॉक्स के अंदर ही आपको दिखाई देगी, जैसा कि हमें टेली सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है। इसी टाइप से भी केवल ये सारी जो डिटेल है आपकी वो एक बॉक्स के अंदर ही रहती है, उसी में परचेज की डिटेल और उसका जो टोटल है। तो सेम यही ऑप्शन आपको बीजी सॉफ्टवेयर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, भी जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो, हम मास्टर पे जाके आपको दिखाते हैं, आइटम पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल के लिए 5 आइटम हमने क्रिएट करी है पांचों टैक्स रेट के लिए, कोई भी एक आइटम ओपन करते हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है सेल काउंट का और परचेज काउंट का, तो यहाँ पर आपको सेपरेट अलग से सेल काउंट और परचेज काउंट है जो क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेल या फिर परचेज का जो लेजर आता है अगर उसी में रख दिया तो ये डिटेल आपके सामने ओपन नहीं होगी। जैसा कि हम एक नई कंपनी नई स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी लिख दिया आइटम एफ, तो आप देख रहे हो इसके अंदर जो स्टॉक ग्रुप आपने क्रिएट कर दिया जो भी आप इसके अंदर डाल दोगे, तो इस उस दौरान आपके सामने ये ऑप्शन आएगा भी सेटिस्फाई सेल अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड और सेटिस्फाई परचेज अकाउंट। भी अगर आपको स्पेशल कोई रिक्वायर्ड है सेल अकाउंट की तो आप यहाँ पे अलग से लेजर क्रिएट करोगे, नॉट रिक्वायर्ड अगर आप करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट परचेज और सेल का जो लेजर इसके अंदर ऑलरेडी बना होता है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सारा का सारा डाटा आपका वहीं पे जाता रहेगा। अगर आप बाद में उसको इस तरीके से एक्सप्लेन के साथ अगर आप ओपन करना चाहोगे तो ये आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपने सेपरेट कोई भी नहीं तो कोई परचेज का लेजर क्रिएट किया और नहीं सेल का किया। तो आपको जिस तरीके से विदाउट अगर हम इसकी डिटेल को अगर नो कर देते हैं, तो जैसा अभी आपको ये डिटेल आपको दिखाई दे रही है तो इसी तरीके से आपको डिटेल उस वक्त दिखाई देगी। भी टोटल आपको इतना ही पता चलेगा परचेज 6400 रुपए की है और ये आपकी सेल है 4475 रुपए की। तो आप इसको डिटेल के साथ शो नहीं कर पाओगे अगर आपने परचेज का और सेल का सेपरेट अलग अलग लेजर क्रिएट नहीं किया तो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।